आपको किसी भी तरीके से अपने इस सिडेंटरी लाइफस्टाइल को ब्रेक करना है। खड़े होइए, चलिए, जहां तक हो सके हर चीज को अपनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने की कोशिश करिए। यदि आपको हार्ट डिजीज है तो खाने के बाद वॉक करने से पहले डॉक्टर से संपर्क करिए, उसे पूछ लीजिए अलाउड है या नहीं है। नहीं तो खाने के बाद आप 10 से 15 मिनट धीरे धीरे चलें, तेज बिल्कुल नहीं चलना है खाने के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निखिल अग्रवाल। डायबिटीज़ सेल्फ केयर एट होम सीरीज़ का ये दूसरा पार्ट है। इस वीडियो में डायबिटीज़ के मरीजों को क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में बताया जाएगा। इससे पहले पार्ट वन में डॉक्टर प्रभात गोयल ने डायबिटीज़ से संबंधित सही खान पान के बारे में जानकारी दी थी। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर दिए गए लिंक या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख लें। स्वास्थ्य से संबंधित बढ़िया जानकारी रेगुलर पाते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अब हम डिस्कस करते हैं एक्टिविटी की। हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, 90% जो मेरी प्रैक्टिस में पेशेंट्स हैं, दे डोंट एक्सरसाइज। उसके लिए बहुत सारे वो रीजन दे सकते हैं, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्सरसाइज, मैंने आपको शुरू में बताया था कि सेल में ग्लूकोज को घुसने के लिए एक दरवाजे को पार करना पड़ता है और इंसुलिन उसकी की है। कई बारी वो की काम नहीं करती है और दरवाजा नहीं खुलता है। उस दरवाजे को खोलने के लिए एक और रास्ता है और वो सबके पास है, फ्री है, और उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, और वो रास्ता है एक्सरसाइज का। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स में वो रास्ता अपने आप खुल जाता है, वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं। उनको चाहिए ग्लूकोज, वो यूटिलाइज करेंगे। इंसुलिन चाहिए डेफिनेटली, लेकिन आप उसको कुछ हद तक एक्सरसाइज करके भी खोल सकते हैं। और एक्सरसाइज करने में शुगर के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल में फायदा होगा, ब्लड प्रेशर में फायदा होगा। वी ऑल नो इट डिक्रीज एंजाइटी, इट इम्प्रूव द मूड, और अब डाटा ये भी आ रहा है कि एक्सरसाइज जो करते हैं उनकी मेमोरी भी शार्प होती है। एक्सरसाइज के फायदे, पूरी स्लाइड भर जाएगी लेकिन फायदे खत्म नहीं होंगे। तो एक्सरसाइज करना मस्ट है, लेकिन एक्सरसाइज जब भी करें उसको धीरे धीरे शुरू करें और उसको धीरे धीरे उसका ड्यूरेशन और इंटेंसिटी बढ़ाएं, जो कि हम धीरे मैं आपको बाद में समझाता हूँ। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हमें एक्टिव रहना है। हमें बहुत ज्यादा चार्ट नहीं देखने हैं कि हमें ये करना है वो करना है। आप जो भी करें, एक्सरसाइज करें, कीप वॉकिंग। वॉकिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। उसके साथ साथ आप मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि मसल बिल्ड होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होता है। सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, आपको कोई बड़ा जिम विम नहीं चाहिए। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज क्या करना है, आपको वेट उठाना है। आप पानी की बॉटल से भी कर सकते हैं, पहले आधे लीटर की बॉटल उठाइए भर के, फिर 1 लीटर पानी की बॉटल भर के उठाइए, फिर 2 लीटर की भी उठा सकते हैं। आपके घर में कोई सामान आता है आप उसको भी यूज कर सकते हैं एज ए वेट्स। दोनों हाथों से वेट को उठाइए, पाँव से भी वेट को उठा सकते हैं। तो ये सब चीजें भी घर पे आप कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, बैलेंस ट्रेनिंग, जैसे जैसे एज एडवांस होती है इनकी जरूरत पड़ती है। योगा अच्छी चीज है, योगा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करता है, आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। मैं योगा करने को मना नहीं करता हूँ, आप योगा करिए, लेकिन डायबिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट एक्सरसाइज वॉकिंग है। जहां तक हो सके वॉक करिए, अपने आप को बिठा के मत रखिए। बैठना सबसे बड़ा कल्प्रिट है शुगर राइज करने का, तो प्रलॉन्ग सिटिंग इज वेरी बैड फॉर हेल्थ। आजकल सब लोग कहते हैं हम आईटी कंपनी में काम करते हैं, हम वर्क फ्रॉम होम हैं, बैठे हैं, उसको छोड़िए। आपको हर घंटे के लिए बाद उठना है, कुछ भी करिए, हर घंटे के बाद खड़े होइए, चलिए 5 मिनट के लिए। अपनी टेबल पे पानी मत रखो, घंटे के बाद उठ के जाओ कूलर तक, पानी पी के आओ, वॉशरूम जाइए, होके आइए थोड़ी देर में। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ज्यादा पानी पीजिए जिससे आपको बार बार वॉशरूम आए जाना पड़े,
वो रिकमेंडेशन मैं नहीं कर सकता हूँ, इसमें लिखा है आई डोंट रिकमेंड दैट, क्योंकि कई बार हम पानी पीने को मना करते हैं कुछ पेशेंट्स को, तो वो जनरलाइज नहीं कर सकते हम स्टेटमेंट। लेकिन उठ तो सकते ही हैं, उठ के काम भी कर सकते हैं, खड़े होके भी काम कर सकते हैं। खाने के बाद वॉकिंग के कॉन्सेप्ट में मैं आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान करूंगा बताना चाहूंगा, यदि आपको हार्ट डिजीज है तो खाने के बाद वॉक करने से पहले डॉक्टर से संपर्क करिए, उसे पूछ लीजिए अलाउड है या नहीं है। नहीं तो खाने के बाद आप 10 से 15 मिनट धीरे धीरे चलें, तेज बिल्कुल नहीं चलना है खाने के बाद। यदि आपको तेज चलने की आदत है, आपको तेज चलना पसंद है, तो खाने के कम से कम 1.5 घंटे के बाद तेज चलिए, खाने के इमीडिएटली बाद तेज नहीं चलना है, बिल्कुल तेज नहीं चलिए, आप हाँफ जाएंगे, वो बैड फॉर हेल्थ। धीरे धीरे चलिए, हर खाने के बाद धीरे धीरे चलिए। आपको किसी भी तरीके से अपने इस सिडेंटरी लाइफस्टाइल को ब्रेक करना है, खड़े होइए, चलिए जहां तक हो सके, हर चीज को अपनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने की कोशिश करिए। आप टीवी देखने का पसंद है, टीवी देखिए, लेकिन यदि कमर्शियल ब्रेक आता है चलना शुरू कर दीजिए। चलते हुए टीवी देख सकते हैं, साइकिल चलाते हुए भी टीवी देख सकते हैं, एक्सरसाइज करते हुए भी टीवी देख सकते हैं। जब आप फोन पे बात कर रहे हैं बैठे हुए बात नहीं करिए, खड़े हो जाइए, हाथ पांव हिलाते रहिए, चलते रहिए, सब काम कर सकते हैं। और यदि आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं, घर में चलिए, आप इकट्ठे नहीं चलना चाहते हैं, हर 2 घंटे बाद चलिए, 5 मिनट के लिए चलिए, 10 मिनट के लिए चलिए, ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी। आप अपनी बालकनी में चल सकते हैं, अपनी छत का इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना तेज चलना चाहें उतना तेज चल के देख लीजिए, इकट्ठा नहीं चलना चाहें थोड़ा रुक रुक के चल लीजिए, चलिए, जो भी आप कदम चलेंगे वो सब आपको मदद कर रहा है, वो सब इकट्ठा हो रहा है शरीर में आपको हेल्प करने के लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइड्रेशन अच्छी होनी चाहिए, तो पानी का ध्यान, डिहाइड्रेट नहीं हो जाइए एक्सरसाइज करते हुए, वो एक नुकसान करता है। और आप एक्सरसाइज करें तो फुटवियर पहन के करें, और अच्छा सॉफ्ट कंफर्टेबल फुटवियर होना चाहिए। मैंने कई बार पेशेंट आके बोलते हैं जी हम घास पे नंगे पांव चलते हैं, पार्क में घास पे नंगे पांव चलना हमारे हिसाब से डायबिटीज़ के पेशेंट में अकलमंद नहीं है, डायबिटीज़ के फुट्स बहुत वीक होते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा फुटकेयर के बारे में। नंगे पांव बिल्कुल नहीं चाहिए, खासकर पार्क में या घास पे, कोई भी चीज़ हुई, कोई भी चोट लग गई, कोई कील हुई, कोई कांच हुआ, कोई भी हार्ड चीज हुई, कोई कांटा हुआ और आपको लग चुभ गया, डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ये हमारे लिए नाइटमेयर है। यदि किसी पेशेंट का डायबिटीज़ में फुट खराब होता है, डॉक्टर्स की धड़कनें बढ़ जाती हैं, हमें ये मालूम है हार्ट अटैक को ट्रीट करना आसान है, डायबिटिक फुट को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। तो डायबिटिक फुट इज ए बिग प्रॉब्लम, और जब डायबिटिक फुट होता है इसके साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है। तो पांव का बहुत ध्यान रखना, एक्सरसाइज करने से पहले शुगर चेक करना एक अच्छी चीज़ है। यदि 250 से ज़्यादा शुगर है एक्सरसाइज नहीं करिए, आपके दिल पे जोर आएगा। और यदि शुगर आपकी 90 से कम है और आप उन दवाइयों पे हैं जिसपे शुगर लो होने का डर रहता है, तो आपको कुछ पहले खाना पड़ेगा, शुगर को 120 से ऊपर लाइए, फिर एक्सरसाइज करें। डायबिटीज में एक्सरसाइज कुछ कंडीशंस में, खासकर यदि आपकी किडनी इन्वॉल्वमेंट है, आपका ब्रेन इन्वॉल्वमेंट है, आपकी नर्व इन्वॉल्वमेंट है और आपका हार्ट इन्वॉल्वमेंट है, हमें कुछ एक्सरसाइज के स्पेशल शेड्यूल, उसको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ सकती है, तो उन चीज़ों में डॉक्टर आपको मदद करेंगे, या समटाइम्स हम फिजिकल ट्रेनर्स की भी मदद लेते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये कुछ बैरियर्स हैं या कुछ एक्सक्यूजेज हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम निकालना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए टाइम निकालते हैं, तो एक्सरसाइज के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। 5 मिनट निकालिए, 10 मिनट निकालिए, कोई भी टाइम जिस वक्त आप फ्री होते हैं, एक्सरसाइज करने का कोई टाइम नहीं है, आप सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर को भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम निकालिए। सिर्फ प्रिकॉशन क्या रखनी है कि खाने के एकदम बाद एक्सरसाइज नहीं करनी, तो जो भी टाइम आपको सुटेबल लगे वो निकालिए।
अपने डेली रूटीन में एक टाइम फिक्स करिए कि आपको एक्सरसाइज करनी ही है रोज, उसको बना लीजिए आप कोई भी प्रोग्राम, लेकिन एक्सरसाइज उसमें जरूर होना चाहिए। यदि आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। कुछ लेडीज कहती हैं वो घुटनों के कारण चल नहीं सकती, कुछ लोग कहते हैं उनके पास समय नहीं है, ये सब मेरे ख्याल से एक्सक्यूजेस हो जाते हैं। आपको निकालना ही है टाइम, हर 2 घंटे के बाद 10 मिनट चलिए, 4 घंटे बाद 10 मिनट चलिए, चलिए चलते रहिए, बीच में घर में ही चलिए। 2 घंटे में 10 मिनट चलना घर के अंदर कोई बड़ी चीज नहीं है। यदि आप 12 घंटे जगे रहते हैं तो आप 40 से 50 मिनट अननोइंगली चल लेंगे, और ये भी आपकी शुगर कंट्रोल करने में मदद करेगा। एक बहुत होता है कि हम थके रहते हैं, 24 घंटे कोई थका नहीं रहता है, एक्सरसाइज करिए थकान कम हो जाएगी। हाँ, कई बार एक्सरसाइज करने से थकान होती है लोगों को, और उसका कॉन्सेप्ट है आप धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू करें। जब भी आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे 10 से 15 मिनट चलिए बस, और कुछ नहीं करिए, और अगले 3 हफ्ते तक इसको ऐसे ही करते रहिए। जब आपको लगे हम कंफर्टेबल हो गए हैं, अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। यदि आपके पास समय है तो उस 15 मिनट को 20 मिनट कर लो, 25 मिनट कर लो, और यदि आपके पास समय नहीं है तो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ा दो, अपनी स्पीड बढ़ा दो। तो या तो समय कांस्टेंट करिए, स्पीड बढ़ा लीजिए, और यदि स्पीड नहीं बढ़ा सकते तो समय बढ़ा लीजिए, और फिर 3 हफ्ते तक वेट करिए। हर 3 हफ्ते के बाद आप अपनी स्पीड और टाइम का चेंज करते रहिए। आप 40 मिनट्स तक पहुंच जाएंगे तो स्पीड बढ़ानी शुरू कर दीजिए। व्हाट वी वांट, 40 मिनट्स एवरी डे, इफ पॉसिबल ऑल 7 डेज। नहीं है तो 5 दिन तो एक्सरसाइज करनी ही है, लेकिन 2 दिन की छुट्टी इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। यदि हमने किताब में पढ़ा है 5 टाइम्स अ डे वीक इज ए सफिशियंट एक्सरसाइज, लेकिन वो 2 दिन की छुट्टी इकट्ठी नहीं होनी चाहिए कि शनिवार इतवार को नहीं कर रहे हैं, वो फिर गड़बड़ हो जाए। आपको यदि 2 ब्रेक्स लेने हैं तो इट विल बी 1 मिड वीक एंड अनदर वीकेंड। उनको ऐसे 2 इकट्ठे ब्रेक नहीं होने चाहिए यदि आप 5:7 डेज का फॉलो कर रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखिए, छोटी सी बात है पर डिफरेंस बहुत आ सकता है। सो हमने एक्टिविटीज के बारे में क्या डिस्कस किया आज, कि एक्सरसाइज करनी जरूरी है, एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे हैं, एक्सरसाइज करने से बहुत चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, शुगर खासकर इम्प्रूव होती हैं। एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में करिए करिए, फिजिकल इनएक्टिविटी जो है वो बैड डाइट से बड़ा प्रॉब्लम है, और एज इन इंडियंस व्हाट वी नो कि हमारे यहाँ एक्सरसाइज करने का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, बट स्टिल हम बहुत पीछे हैं। और ये मत सोचिए एक्सरसाइज करने के लिए जिम चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं कर सकते हैं। मॉल जाते हैं चक्कर मारते रहते हैं, तो रोज़ वहाँ पे रोज़ मॉल जाके एक चक्कर मारा करो, मार के आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी पार्क करिए पार्किंग लॉट में, गेट से दूर, वहाँ तक पैदल चल के जाइए। आप फ्लैट्स में रहते हैं, बिल्डिंग की हाइट अच्छी है, स्टेयर्स का इस्तेमाल कीजिए। ये नहीं है कि आप यदि 25 फ्लोर पे रहते हैं तो मैं कह रहा हूँ 25 फ्लोर चल के जाइए, वो मैं भी नहीं चढ़ सकता। 3 फ्लोर 4 फ्लोर चढ़िए, वहाँ से लिफ्ट ले लीजिए। लिफ्ट से उतर के आ रहे हैं तो पहले उतर जाइए, फिर सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए। अपने एक्सरसाइज को कोशिश करिए आपके रूटीन में आ जाए। आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं, आप ऑफिसेज में रहते हैं जहां पर बहुत सारे ऑफिसेज पास पास हैं, आप अपनी गाड़ी को दूर पार्किंग में लगा लीजिए। मेरे को याद है एक पेशेंट ने मेरे को एक बहुत अच्छा आइडिया बताया। वो मेट्रो में जाता था अपने ऑफिस, 45 मिनट्स मेट्रो में, वो क्या करता था 45 मिनट्स मेट्रो में चलता रहता था। वो कहता था मैं स्टेशन पर भी चलता रहता हूँ और मैं तो एक्सरसाइज ऐसे पूरी कर लेता हूँ। बहुत अच्छा आइडिया दिया उसने। वो प्लेटफॉर्म पे चलता रहता था और वो मेट्रो के अंदर भी चलता रहता था, एक एंड से दूसरे एंड तक।
एक छोटी सी चीज ने उसको बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। तो एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करिए अपने डेली रूटीन में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।